हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे UPSC NM छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। आयोग की तरफ से दोस्तों क्या लिया गया है बड़ा फैसला, दोस्तों रिजल्ट से क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है और हजारों छात्र बाहर हुए, किस में बाहर हुए, पूरी डिटेल ध्यान से समझिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया आप लोगों की रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है और डाटा फीडिंग की जो अंतिम प्रक्रिया पे लगा हुआ है, ठीक है। डाटा फीडिंग के अंतिम चरण पे दोस्तों रिजल्ट आपका एक दो दिन के अंदर दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। यही आप लोगों की खबर भी उठ के आ रही है कि आज आपका रिजल्ट आज या कल के अंदर ही आपका रिजल्ट दोस्तों जारी करने की बात कही गई। दोस्तों रिजल्ट जब भी आएगा तो 12 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास आएगा, यही खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों ये मीटिंग के दौरान ये खबर निकली थी, प्रस्तावना हालांकि ये रखी गई थी कि 25 तारीख को आपका रिजल्ट दोस्तों घोषित कर दिया जाए, लेकिन आयोग ने क्या है कि इस पर पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई बात। इसमें 80% चांस ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपका 25 तारीख को घोषित करने की बात कही गई, लेकिन ये है कि आप लोगों की एक खुशखबरी की बात है, रिजल्ट की जो प्रक्रिया दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है तो रिजल्ट आपका जल्द देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल द्वारा ये अपडेट दोस्तों कर दिया जाएगा। और दूसरी दोस्तों बड़ी खबर है कि कौन कौन से छात्र किस में बाहर हो रहे हैं, उसका रीज़न आपको बताते चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बता दे रहे, ध्यान से समझिएगा। देखो इस बार क्या है कि DV में वही छात्र रिजेक्ट होंगे जिन्होंने पूरी जानकारी या पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, वही छात्र रिजेक्ट हो रहे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कुछ छात्र रिजेक्ट हुए थे क्योंकि इस बार प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरह या तेज़ी चली थी। और दूसरी चीज़ आपको बता दी, जिनका भी NM का रिजल्ट 5/1/2022 के बाद आया था वो हट गए थे और ऑप्शन थे उनको हटाने के बाद में काफ़ी छात्र इस बार हट गए, जिनके कारण आपकी कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। कमेंट में बताया ना आपका स्कोर कितना है, कैटेगरीज भी लिखिएगा और जैसे रिजल्ट आएगा मेरे चैनल दोस्तों अपडेट कर दिया जाएगा।